कोई किसी को हैक करता है तो वो अपनी पहचान को किसी हार्ड डिस्क के किसी कोने में जरूर छोड़ता है। उसे कहते हैं की लॉकर्स। ओके, सिंपली बोलूं तो जब कोई खून करता है तो कोई ना कोई सबूत जरूर छोड़ता है। अगर हमने उसको ढूंढ लिया तो उसका आईपी एड्रेस भी ढूंढ लेंगे। आईपी एड्रेस फाउंड। मिल गया, आईपी एड्रेस मिल गया, अब उसे भी ढूंढ लेंगे। एक्सेस डिनाइड। Firewall protected. Firewalls की इतनी लेयर? Firewall कंप्यूटर का बंद दरवाजा होता है। उसे खोले बिना ये पता नहीं लगा सकते कि उस दरवाजे के पीछे कौन बैठा है। नॉर्मली घर पे इस्तेमाल करने वाले कंप्यूटर में इतनी सारी प्रोटेक्शन नहीं होती है। कौन हो तुम लोग और क्या छुपाना चाहते हो? ये जस्ट एक एक्सीडेंट केस है। 1500 का फाइन भरेगा तो इजीली बाहर आ सकता है। हे, अपना काम कर। हे, रोना बंद करो। समझ में नहीं आता क्या? हम सब देख लेंगे। यस, कोई हमें हैक करने की कोशिश कर रहा है। अरे पर ये कैसे पॉसिबल है? ये कैसे हो सकता है? सारे राउटर को जल्दी से चेक करो। व्हाट हैपेंड? जल्दी से रीस्टार्ट करो। चल रहा, कम ऑन गाइस, कुछ हुआ है? कोई? अरे हो क्या रहा है? कैसे हो सकता है? कैसे हो गया? समझ में नहीं आ रहा। कौन है देखो? अगले 30 मिनट्स में हम पता लगा लेंगे। वो लोग हमें ट्रैक करना शुरू कर चुके हैं। दोनों के पास 30। देखते हैं पहले वो हमें ढूंढता है या हम उसे ढूंढ लेते हैं। शिवम, इन लोगों ने आईपीएस प्रूफिंग किया है। एक ही जगह पर दुनिया का हर लोकेशन दिख रहा है। सेकेंड लेयर भी ब्रेक हो गया। वो लोग हमें इंडिया से हैक कर रहे हैं। 20 सेकंड्स। ये आखिरी लेयर है। अगर उन्होंने इसे ब्रेक कर दिया तो वो हमें ढूंढ लेंगे। कम ऑन। तमिलनाडु। चेन्नई। 2 सेकंड्स में तुम्हें पता चल जाएगा। Yes, come on. IP address located. Yes. इतने प्रोटेक्शन के बाद भी उसने हमें कैसे हैक कर लिया? समझ में नहीं आता। कौन है इतना शातिर? ढूंढो उसे। इससे पहले वो हमें ढूंढते हुए यहां आ जाए, उसे ढूंढ निकालो। कम ऑन, लेट्स मूव। कम ऑन गाइस, निकले यहां से। चलो